बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश के भी 16 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई। इसी कड़ी में बीजेपी ने जयपुर शहर में एक बार फिर मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा पर विश्वास प्रकट किया है। वहीं टिकट मिलने के बाद रामचरण बोहरा चुनावी समर के पहले दिन काफी एक्टिव मोड में दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने आला नेताओं और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसी को लेकर के सांसद रामचरण बोहरा ने भी A1 TV से खास बातचीत की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपने 184 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं राजस्थान से 16 प्रत्याशियों को कई चुनाव के लिए घोषित कर दिया गया है। वहीं बीजेपी के लिए जयपुर शहर से मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सांसद रामचरण बोहरा, हम उनसे बात करेंगे। सर, पार्टी ने एक बार फिर से आप पर विश्वास जताया है, किस प्रकार से मानते हैं कि अब कितना खरे उतरेंगे और किस प्रकार की इन समीकरणों लेकर आप जीत कराएंगे? मैं राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है। पिछले कार्यकाल में जिस तरह से जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मैंने काम करने की कोशिश की है, आज उसी का नतीजा है कि कार्यकर्ताओं ने अपने दम पर मेरे लिए कहकर, और राष्ट्रीय नेतृत्व को भी कहा है और प्रदेश नेतृत्व को भी कहा है, और प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों ने मिलकर मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं इस विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारत में सरकार बने, एक स्थायी सरकार बने, मजबूत सरकार बने, देश की सुरक्षा चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य सुरक्षा हो, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी तरह बने, मुझे कहते हुए इस मौके पर बहुत खुशी है कि पिछली बार आप बड़े अंतराल से जीते, काफी बड़े मार्जिन से आप जीत कर आए, लेकिन अब स्थितियां बदल गई। उस वक्त प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और जयपुर शहर के आठ विधायक बीजेपी के थे, लेकिन अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। जयपुर शहर से माना जाता है कि शहर जो वोट बैंक होता है, शहरी वोट बैंक, वो बीजेपी के होता है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर 5 विधायक कांग्रेस के हैं और 3 विधायक बीजेपी के, मतलब शहरी वोट बैंक जो है आपसे छिटक गया था विधानसभा चुनाव में। इस चुनाव में आप किस तरीके से देख रहे हैं, अगर वही रूख मतदाता का रहा तो आपके लिए भारी पड़ सकता है, इसका क्या उपाय है आपके पास? देखिए, जो हमारा किसान वोट बैंक है, जो हमारा युवा बैंक वोट बैंक है, उन्होंने उनको एक लुभावने वादे करके राहुल गांधी जी ने, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस तरह का एक भ्रम में जनता को डाला है कि तुम्हारे किसानों को कहा कि आपके संपूर्ण कर्ज माफ होंगे, युवाओं को कहा कि हम बेरोजगारी बता देंगे, और अनेक प्रकार की घोषणाएं उन्होंने एक चुनावी झूठ बोलकर चुनाव में, और उन्होंने एक जनता को लुभाने का काम किया। जनता ने उस लुभावने वादों में आई और आज उसी की वजह है कि उनकी सरकार बनी। वो 99 सीटें आई थी, एक सीट बाद में सरकार थी, इसलिए वो एक सीट उनकी वापस भी आई है। मैं समझता हूँ कि आज किसानों में जो कर्जे माफ़ करने की घोषणा, संपूर्ण कर्जे माफ़ करने की घोषणा की थी, वो फिर वो बाद में थोड़े दिन बाद में 2 लाख रुपये आ गया। उसके बाद में शहरी मतदाता ज़्यादा, किसान कम है सर। मेरी सीट पर 33 मेरे ग्रामीण सीटें भी लगती है, और जो ग्रामीण सीट का, ग्रामीण क्षेत्र का हवा शहर में भी आती। युवा मेरे इस संसदीय क्षेत्र में आपने देखा होगा, बार बार टीवी पर इस पे आता रहता है कि जयपुर शहर में सबसे ज़्यादा युवा है, तो युवाओं को जिस प्रकार का बेरोजगारी भत्ता देने का जो उन्होंने प्रलोभन दिया, आज तक किसी युवा को मेरे को लगता है कि बेरोजगार भत्ता मिला नहीं है, और उस वादे की वादा खिलाफी कांग्रेस गवर्नमेंट ने की है, उसका परिणाम इस लोकसभा चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सुरक्षा के लिए, पुलवामा की घटना हम सबके सामने है, आज पूरे विश्व में प्रधानमंत्री के साथ, पूरे देश प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।